तो स्वागत है आपका कारा लेक पे। तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पहुँचे हुए, उतनी देर से मैं अपना टेंट सेटअप कर रहा था, कपड़े मेरे पूरे गीले हो गए थे तो कपड़े चेंज करे। अब जाके मैं यहाँ ऊपर लेक के जो ऊपर का व्यू दिखाया मैंने आपको, वो दिखाया इस तरफ वाला, सामने जो पीक है वो बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ से, तो इसलिए मैं यहाँ ऊपर आ रखा अभी। तो इसका आपने भी देखा होगा कितना बढ़िया व्यू आ रहा है सामने से। जब मैं यहाँ पे पहुँचा था तो थोड़ी एक दिक्कत हो गई मेरे साथ यहाँ पे ना, क्योंकि कोहरा लगा हुआ था और मुझे ये जो कैंप साइट है इसे ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया। तो बढ़िया था कि लकीली मैं पहुँच गया यहाँ पे, शेफर्ड्स भी ठहरे हुए वहाँ पे, बट वहाँ मैं गया नहीं क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं। फिर मैं इधर आया यहाँ पे, तो जहाँ पे ये कोई ग्रुप आ रखा है उसके बगल में ही मैंने अपना टेंट सेटअप कर रखा है। वो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा ग्रुप है, 12-13 बंदे हैं उसमें। ये बंदा कोई नया आया हुआ लग रहा है, बाकी टेंट पहले से सेटअप हो गए यहाँ पे। लास्ट में जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है वो मेरा वाला टेंट है। तो अभी खाना वाना बना के मैं अपना खाना खा चुका हूँ। टाइम लगभग मेरे ख्याल से 8 से 8:30 के बीच में टाइम हो रहा है, 18 के आसपास किलोमीटर के आसपास आज का सफ़र था। और ये देखिए अपना सब सेटअप हो गया यहाँ पे, स्लीपिंग बैग है पूरा अपने साथ। ठंड इतनी ज़्यादा है नहीं अभी, तो अगर आप एक हाफ टी शर्ट में भी रहोगे चल जाएगा काम आपका। चलिए कल सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह के लगभग 6:30 होने वाला है टाइम। उठ तो मैं वैसे काफ़ी जल्दी गया था बट थोड़ा वैसे ही टहल रहा था यहाँ पे। तो अभी मेरा नाश्ता रेडी हो रहा है, रेडी हो चुका है लगभग लगभग, और अब खाना खाने का टाइम है। खाने के बाद अब पैकिंग करनी है यहाँ पे पूरी, और पैकिंग करने के बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। रात को अगर मौसम की जानकारी दूँ मैं तो बीच बीच में हल्की हल्की बारिश होती रही पूरी रात भर। अभी थोड़ा मौसम ठीक है, बादल आ चुके हैं बाहर, मतलब धुआं लग गया है, सुबह सुबह धुआं नहीं था। तो चलिए करते हैं नाश्ता। मैंने टेंट पूरा बंद कर रखा है क्योंकि हवा चल रही है, इस चक्कर में पूरा मैंने ढक रखा है, उसके अंदर बना रहा हूँ खाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट अपना कंप्लीट हो गया है, अब थोड़ी देर में मैं करता हूँ अपना टेंट वेंट पैक और उसके बाद निकलते हैं फिर यहाँ से। तो आज के दिन का जो सबसे मेन काम है वो होगा मेरे ख्याल से सामने जो पानी के जो छोटे छोटे नाले आ रहे हैं उनको क्रॉस करना, सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है वो, क्योंकि पानी बरसात का टाइम है तो पानी
भी ठीक ठाक है उनमें, और जो स्पीड होती है पानी की बहुत तेज़ है, इस वजह से उसको क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इनका देखते हैं ये कितने बजे निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है, देखता हूँ मैं साथ में निकलता हूँ या अलग अलग निकलता हूँ, क्योंकि इन लोगों का अभी नाश्ता नहीं बना है, मैं ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ बना बना के फटाफट। ये अपना टेंट लगा है यहाँ पे, साथ ही मैं भाई लोगों के टेंट भी लगे हैं इधर, ये देखिए दो टेंट यहाँ पे हैं, बाकी इधर हैं बगल में ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। कल इस तरफ कैंपिंग करने की सोच रहा था उस तरफ, लेकिन वहाँ पूरा दलदल और है आजकल बारिश के टाइम पर, तो जगह एकमात्र यही बची थी लास्ट, तो अपना टेंट मैंने यहाँ पर पिच कर दिया। बाकी इनके टेंट ये हैं, इनका तो अच्छा खासा स्पेस है वहाँ पर, ये जगह सही थी। रात में थोड़ी बारिश हो रही थी तो मुझे लग रहा था कहीं पानी वानी ना आ जाए, पर ठीक रहा, यहाँ पे जगह अच्छी थी। जैसे ये देखिए इस तरफ पानी है, बाकी इस तरफ निकलना भी आगे। भाई चाय कॉफ़ी तो हो गई अपनी यहाँ पे, तो जो दो बंदे आ रखे हैं यहाँ पे मेरे साथ, तो मैंने आज का ट्रैक लोगों उनके साथ ही किया था पूरा, कारा से लेकर यहाँ तक का, तो कॉफ़ी वगैरह तो उन लोगों ने पिला दी मुझे, बाकी अभी खाने का देखते हैं। जो दूसरा ग्रुप था वो पूरा आ चुका है इधर, अभी दिन का टाइम हो रहा है 2, और हम लोग यहाँ पर पहुँच गए होंगे शायद मेरे ख्याल से 12:30 के आसपास हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और अभी स्वागत है आपका इधर फुटसरिंग कैंप साइट में। तो अभी लगभग सुबह के 6:15 के आसपास टाइम हो गया है, और टेंट वेंट पैक वैक कर लिया हम लोगों ने, तो अब हम
ऊपर मेन जो पास है वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो मेन ग्रुप आ रखा था यहाँ पे वो तो सुबह लगभग 3:30 बजे के आसपास निकल गया था यहाँ से। मेरा ये था कि जब उजाला होगा तभी निकलेंगे आराम से। ये जो कैंप साइट है फुतसरिंग, इसकी जो इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 4200 मीटर अबव सी लेवल। चलिए निकलते हैं फिर यहाँ से, टाइम तो हो गया है थोड़ा। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि हम 1 घंटा लेट हो गए हैं शायद, तो चलो कोई इशू नहीं, मौसम अच्छा है अभी, तो निकलते हैं फिर यहाँ से।